हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके ग्लो जोन और मैं हूं आपकी होस्ट ममता। गाइस, आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए टोनर की एक होममेड, कैसे आप टोनर बना सकते हैं अपने घर पर ही, क्योंकि अभी कॉस्मेटिक्स वगैरह खुल नहीं रहे और 3 मई के बाद भी पता नहीं, मे बी लॉकडाउन और आगे बढ़े। तो टोनर आप अपना घर पर ही बनाइए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रेश टोनर बनाने वाली हूँ मैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो रिफ्रेशिंग भी रहेगी, आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट हैं, जो डार्क सर्कल्स हैं, ये सब इससे रिमूव होंगे। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस, जो ये मैं टोनर बनाने वाली हूँ वो क्यूक्यूम्बर टोनर है, यानी खीरे का टोनर। जी हाँ, खीरा क्या होता है, खीरे का रस जो होता है हम अपनी आंखों पे भी लगाते हैं, अपने फेस पे भी लगाते हैं, बाहर से भी हम परचेज करते हैं क्यूक्यूम्बर टोनर, परचेज करते हैं क्यूक्यूम्बर फेस वॉश परचेज करते हैं, तो उसको ही हम घर पे बना रहे हैं। तो इसको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। तो ये मैंने लिया है क्यूक्यूम्बर जूस। गाइज, इसको मैंने पहले ही इसलिए बना दिया क्योंकि फिर वीडियो में बनाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 10-15 मिनट की चली जाती है। तो इसके लिए इसमें आपको क्या करना है, इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, आपको इसको कद्दूकस से ग्रेट करना है और उसका जूस निकाल लेना है। ओके, ये मैंने एक मीडियम साइज का क्यूकम्बर था उसका जूस लिया है, तो आप देख सकते हैं। आप उसको जब निचोड़ेंगे उसके बाद उसको छान जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसका जो पल्प आता है ना वो भी रह जाता है। तो उसके साथ साथ आप इस तरीके की कोई बॉटल ले लीजिए। ये मेरा फेस वॉश था, इसमें वो खत्म हो गया तो मैंने ये लिया है इसके लिए। अगर आपके पास ऐसी बॉटल नहीं है तो नॉर्मल ढक्कन वाली जो बॉटल होती है आप उसमें भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये पूरा जूस मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ इसमें डालेंगे हम पानी, जितना आपका जूस होगा, जूस से आधा, जितना आपका क्यूकम्बर का जो जूस निकलेगा उसका आधा आपको पानी लेना है। ओके, पानी आपको कौन सा लेना है, स्टरलाइज वाटर लेना है, यानी आपको या तो आप आरओ का लीजिए, अगर आपके घर में आरओ है तो आप आरओ का डायरेक्ट वाटर ले सकते हैं, और अगर आरओ नहीं है आपके घर में तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी बॉईल कीजिए और उसको ठंडा करके इस्तेमाल कीजिए। ठंडा फ्रिज में नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। ओके, उसके बाद इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पानी है ये, मैं आपको कांच के ग्लास में दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो मैं इसका आधा लूंगी, ये उतना ही बराबर पानी था ये, तो मैं उसका आधा लूंगी। ठीक है, आधा मैंने बचा दिया। अब ये मेरी आधे बॉटल के करीबन ये मेरा हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को एक न्यू कहते हैं ना, वाइटनिंग देता है और ब्राइटनेस देता है, फेस पे चमक लाता है फेस पे। तो ये है 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से आपका जो फेस है वो सूखा सूखा नहीं लगेगा आपको फेस पे। ओके, उसके बाद में डाल रही हूँ 1 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल। 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है इसमें आपको। तो इस तरीके से आपने डाल लेना है और इस बॉटल को मैंने अब बंद कर दिया। अब इसको अच्छे से आपको शेक करना है ताकि इसमें जो ये तीनों चीजें हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको आपको अच्छे से शेक करना है और इसको शेक करने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल अच्छा सा मॉइस्चर भी दे रहा है और आपकी स्किन को भी ये वापिस, जैसे नॉर्मल जो टोनर काम करते हैं पोर्स को क्लोज करने का, सेम यह भी वही काम करेगा। ओके, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप एक कॉटन पैड ले लीजिए, कॉटन पैड पे आप इसको लगा के अपने फेस पे आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसको स्टोर करके रखना है आपको फ्रिज के अंदर, क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो आपको इसको फ्रिज के अंदर रखना होगा, फ्रीजर के अंदर नहीं, फ्रिज के अंदर रखना है। ओके, जमाना नहीं है ये, खाली फ्रिज के अंदर रखना है ताकि ये खराब ना हो जल्दी। ओके, इस क्योंकि बाहर होता है, बाहर जो बाहर से हम जो टोनर लाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, तो इसीलिए वो हमारा बाहर भी, मतलब अगर हम फ्रिज में नहीं भी रखते हैं बाहर रखते हैं तो भी वो हमारा आराम से चल जाता है 2-3 साल,
लेकिन ये हम घर में बना रहे हैं, इसको आप अकॉर्डिंग टू यू हफ्ते भर, जैसे ये हफ्ते भर का मैंने बना लिया है, हफ्ते भर के बाद मैं इसको फिर बना लूंगी। ओके, तो एक हफ्ते का मैंने बना लिया, आप अपने अकॉर्डिंग एक हफ्ते का बनाइए, एवरी संडे आप बना सकते हैं, तो काफी फ्रेशिंग भी है, रिफ्रेशिंग भी है और आपके फेस के लिए अच्छा भी है। सारी चीजें जो इसमें पड़ी हैं सारी बहुत ही अच्छी और आपके फेस को बहुत अच्छा बनाने के लिए ही है। ओके गाइस, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना जरूर, और अगर किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि मैं उस पर भी एज सून एज पॉसिबल आपके लिए वीडियो लेके आ सकूँ। ओके गाइस, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।